ना घोषित होने पर भी आवेदन टीजीटी पीजीटी बड़ी खुशखबरी इन भर्तियों के आवेदन कई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का दैनिक रोजगार समाचार प्लस अमर उजाला की तमाम सारी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट साथ ही विद्यार्थी जीवन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और साथ ही किसी भी खबर की डिटेल अध्ययन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो साथियों, पहली महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट घोषित न होने पर भी शुल्क भरपाई के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में पिछली कक्षा का रिजल्ट घोषित न होने पर भी विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, तो ये एक साथियों बड़ी राहत है विद्यार्थियों के लिए। वही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10वीं और 12वीं के लिए बड़ी राहत, फाइनल प्रैक्टिस बुक जो है ये उपलब्ध कराई गई सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। नवम्बर टर्म 1 परीक्षा पर स्पेशल सैंपल जो पेपर था और ये जो है ये उपलब्ध करा दिया गया है। वही नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की बात हो रही है कि सुमेलित करने वाले सवालों ने उलझाया, लेकिन पूरा पेपर बैलेंस रहा है, संतुलित रहा है पूरा पेपर। और यहाँ पे जो छात्रों की जो है उपस्थिति थी ये लगभग 80% थी यहाँ पे बताया जा रहा है। और साथ ही ये 3012 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। वही नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो वही पुरानी अपडेट है, जैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ पे जो स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि अनशन कर रहे छात्र की तबीयत बिगड़ी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं जो है शुरू करवाने के लिए ये अनशन लगातार जारी था। नेक्स्ट साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं संविदा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो इंटरव्यू है ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। वही यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड सत्र पिछड़ा, दांव पर विद्यार्थियों का भविष्य, राज्य विश्वविद्यालय के संगठक बीएड कॉलेजों के पहले सेमेस्टर की नहीं हो सकी है परीक्षा, और यहाँ पे काफी जो है ये डिले हो चुका है सत्र। वही साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी भर्ती के लिए इंटरव्यू कल से हो रहा है स्टार्ट। और साथियों, अभी एक बहुत बड़ी कुछ खबरी है टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथियों, ये इस साल की बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो इंटरव्यू है ये स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कुल मिलाकर के 43 पदों पर ये भर्ती थी। वही नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है अविवाहित पुरुषों के लिए नौसेना में जो है ये भर्ती निकाली गई है। और साथियों, ये सभी भर्ती आप सभी को सरकारी रिजल्ट पर भी देखने को मिल जाएगी, या शायद अगर कोई भर्ती ऑफलाइन होगी तब फिर वो सरकारी रिजल्ट पे ना मिलकर के उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है वो देखने को मिलती। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से 1334 पदों पर जो भर्तियां हैं वो निकाली जा चुकी हैं। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित कई पदों पर जो भर्तियां ही निकाली जा चुकी हैं। तो साथियों, इन भर्तियों की कंप्लीट डिटेल आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टीजीटी पीजीटी सबसे बड़ी खुशखबरी की ओर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ में कितनी ज्यादा पावर होती है। मंत्री के बेटे की कार ने किसान को रौंदा 4 मारे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि भीड़ के हमले में चालक व 3 भाजपाइयों की मौत। जी हाँ साथियों, यहाँ पे जो है पब्लिक ने तुरंत फैसला कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाठी डंडे से कूट कूट करके ड्राइवर सहित 3 भाजपा के नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। जी हाँ साथियों, और ये खबर जो है मेन पृष्ठ सहित ये कई पेजों पर लगातार छाई हुई थी। वहीं साथियों, नेक्स्ट बात करें टीजीटी पीजीटी बड़ी खुशखबरी क्या है, तो मैं बता दूं कि जो है आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो है प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से 12 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा जाए, जिसमें आप सभी की तमाम सारी मांगे शामिल है, जैसे की टीजीटी पीजीटी 27,000 नई भर्ती, टीजीटी पीजीटी रिजल्ट जल्द जारी करने को लेकर के, साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्ती में तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ने को लेकर के, और इसके अलावा जो है एलटी ग्रेड नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के आज जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दें लाइक, साथ ही चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए थैंक यू सो मच।